अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, बात रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, आज तैयारी करते हैं, कुर्बानी है सुबह, तो जिन ममालिक में, जिन कंट्री में है ईद मनाई है आज, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिन मुल्कों में सुबह ईद होनी है उनको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, और अपनी फैमिली के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो ईद का मौका है जी, सबसे रिक्वेस्ट है जो आपसे नाराज़ है उसे मना लें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, खुशी का मौका होता है। तो कोशिश करें कि ईद के मौके पे सब मिल बैठ के जो है ना हंसी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, और अपनी जो भी गिले शिकवे हैं ना वो दूर कर दें। जब भी आप एक दूसरे के पास जाएं तो कोई गिला शिकवा ना करें, पुरानी बात ना लेके मतलब माहौल को ना ख़राब करें। हंसी खुशी का मौका होता है। अगर आपके बड़े नाराज़ हैं एक दूसरे के साथ, तो अक्सर जैसा कि घरों में चल जाता है, तो आप छोटे जो हैं घरों में सब कोशिश करें उन सब चीज़ों को जो है ना ख़त्म करवाएं, और आप लोग जाएं एक दूसरे के पास और सारा जो है ना मसले मसाइल हल करवाएं, और सब जो है ना हंसी खुशी बैठें अपने बड़ों के साथ, सब मिल बैठ के। क्योंकि हम पे फ़र्ज़ होता है, जब बड़े नाराज़ हो जाएं तो छोटों का हक़ बनता है, छोटों पे फ़र्ज़ होता है जो घर में मेंबर होते हैं, कि वो अपने बड़ों को समझाएं और मिल बैठ के जो है ना ये फ़ैसला करें एक दूसरे के साथ। अपनी अना जो होती है ना, ज़िद जो होती है, इसको छोड़ के जो है ना एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे सलूक के साथ रहें। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है ईद के मौके पर, इस तरह की खुशी के मौके पर मैं लाजमी ये बात बोलता हूँ कि हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहें। तो चले जी, ईद के सुबह ईद है, तो ईद से पहले जो तैयारियाँ होती हैं हमारे गाँव में, जिस तरह होता है सारा सीन मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्लॉग लाजमी एंड तक देखना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो भी आपसे नाराज़ है उसको भी शेयर करें, ताकि वो भी हो सकता है मेरी बात मान के आप लोगों के साथ जो है ना वो अपने गिले शिकवे दूर करके आप लोगों के साथ बात करें, और आप लोगों के साथ जो है ना वो हंसी खुशी ईद गुजारें। छुरी लभ रहे हैं अम्मी जी? नहीं लभ रहे, तो जो दूसरा व्डा से, हाँ जी वो मैं भी इतनी तक देखा पे। आ दो छुरियां तो है, एक वड्डी छुरी आई नहीं के, तो वड्डी 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 हो रही है, एक और छोटी उरली नाल दी है। अच्छा चौबी लपनी जी, छुरियां देख रहे हैं, छुरी नहीं मिल रही, बड़ी छुरी जो थी ना वो ढूंढ रहे हैं अभी, वो नहीं मिल रही, क्योंकि सुबह कुर्बानी करनी है ना, तो उससे पहले जो है ना छुरियां वगैरह ये सारे कुछ तेज करते हैं ना, ताकि फिर जल्दी जल्दी सारा काम जो है ना वो हो जाए। ये हैं जी इधर पड़ी हुई टिक्का बोटी के लिए स्टिकें वगैरह, ठीक है ना, ये भी धोनियाँ साफ करनी है सारी, ये भी बनाएंगे छुरी। तो वैसे मुझे खत्म है, इन रहन दो, ये ना करो, दूसरी तेज कर लो, इधर तो कोई फायदा नहीं, अगर तेज कर लो बाद में तो शौक वगैरह जबरदस्त बनाने हैं। छुरी छुरी ले आओ बेटा, तो देखो किचन च वड्डी में दी, एक और चाहिए दी। अच्छा जी, इनू तेज करना वा, इसमें वेस्ट जगह तो तेज करना जाओ, बेरा अंदर होनी है रेती जेती उतले। ये पास ने आज पंखा लगाया है, मतलब इधर चारा वगैरह डालते हैं ना बैठ के जानवर को मिक्स करके तूड़ी, और ये तो गर्मी बड़ी होती है, फिर ये उन्होंने जुगाड़ अपना लगाया है, पंखा लगा दिया इधर कि गर्मी ना लगे। अभी इधर से रेती ला के जानी है, पता नहीं किधर पड़ी है ये रेती, यहाँ किधर है। अच्छा ये वाली रेती होती है, ठीक है, ये वाली इससे छुरियाँ वगैरह तेज़ होती हैं, टोके के टोका जो होता है ना उसके जो होते हैं गड़ासे बोलते शायद या कुछ ऐसा, वो तेज़ होते हैं इससे जी। आ गए हो जी, अज इन्हों खुला छड़िया हुआ है भेडू नू, माशाल्लाह मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त बन चुकी है, वह बादल भी है आसमान, तो और ज़्यादा आज गर्मी नहीं है, आज हवा भी काफ़ी चल रही है। इन्ना होंगी है तेज, वो वैसे बट्टी जी खत्म नहीं, अबू जी बत्ती ना कितने तेज होंगी, देखे ना सारे वाल बोले तो जो बैंक शिंग कट दिते।
हाँ जी लभी अम्मी जी छुरी के नहीं आप भैया बाहर ने देखो कि मैं इतने समान सारा रखा हुआ। हाँ जी ये सेट किचन भी सेट कर लो तो अम्मी ये देखो तो आ जो टप जहा पिया है नहीं हाँ जी आ ये देखो तो जी सामने पई है मर्तबान की पता हूँ अम्मी जी नहीं छुरी नहीं लभी साड़ी छुरी गुम गई है जी ना हूँ छुरी साड़ी लभे तो इतने नहीं है बबी है तो स्टिका वो दूसरी में आ पई नहीं छुट्टी ये भी कम दे जाएगी हूँ इतने के आ पई दूसरी में लग गई जी शुक्र हाँ जी ये नहीं निकी दो भी लग गई इन्होंने थरिया तो लानिया से तो सारी हाथ आप जी कितनी आ सारी हाथ वढ़ दी वाली उसे साढ़े काम हमेशा पक्के ही होंगे लोहे वाली थरिया लाइया हुई अच्छा जी इस साइड पे जो शहर है ना करीब ही है हमारे उधर पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस बार भी जो है ना अभी भी उधर ही बारिश हो रही है आसमान पे देख लें बादल बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मौसम बना हुआ है हल्की हल्की इधर बारिश हो रही है बाकी बादल उस तरफ बहुत ज़्यादा हैं हम तो दुआ करें या अल्लाह इस तरफ भी बारिश आ जाए गर्मी की शिद्दत जो है ना हबस बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो कुछ ठंड हो जाए ये वाला बादल इधर भी आ जाए अल्लाह ताला करम करेगा जी इंशाल्लाह। अच्छा जी बारिश शुरू हो चुकी है ठीक है ये देख लें आप बारिश इस तरफ से दुआ कर रहा था मैं कि या अल्लाह बारिश आ जाए और अल्लाह ताला ने बारिश दे दी है अल्लाह ताला अपना करम करेगा जी मज़ीद इधर से बादल आ रहे हैं ठीक है और इधर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ सामने बारिश हो रही है उधर नज़र आ रही है बारिश तो उधर से ही आ रही है बारिश आवाज़ आना शुरू हो जाती है जब तेज़ बारिश होती है ना तो आवाज़ आना शुरू हो जाती है तो उधर से आवाज़ आ रही है मैं भागे जा रहा हूँ अभी उस घर में सामने। अच्छा जी फ्याज भाई नहा रहे से गिले हुए से ते वेपर मार रहे कहते फर्श साफ हो जाए बारिश मैं लगता फ्याज कम आरी ज्यादा अच्छा अल्लाह तला का लख लख शुक्र आ बारिश साढ़े कोल हो गई है ईद ठंडी हो गई है सही है जिनी कि नहीं तो गर्मी सी ना बहुत गर्मी सी आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी हाँ जी पंप कितने चलना लाइट आनी कोई नहीं सही है ये सही है मार्च पेपर बाजी तैरा होना कोल हमारा होना कोल कल्ली नेरी आई है कहते असी फर्श फुरश धोता सारा गंदा हो गया हाँ मैं क्या साढ़े कोल हाँ जी मैं क्या साढ़े कोल पहले बारिश आई है नेरी बाद च आई है सही है साफ हो गया फर्श मैं बारिश च नहीं जाना कहती अगे नहाती हटी बारिश च आलो जी फ्राक का लगारा लाया हुआ आई बारे देखो कपड़े पानी आ साड़ी पूरी कपड़े पानी आ
साफ हो गया। चलो लीड चक लो उधर रख दे कमरे च। बहुत बारिश हो रही है। ओहो हिबा ये तो सारा पानी पाता तुसी। नहीं चलाने सही नाले बारिश आंदी पई ते प्याज दे नाल बारिश होंदे पे ते नाल नांदे पे। अच्छा जी सारा ये सहन जो है ना धोया है मैंने। मिट्टी वगैरह काफ़ी ऊपर से भी आ रही थी तो ये सारी धो के ये देखें चमका दिया मैंने फर्श सारा। अब भव्यासी और भव्यविश का जो है ना सुबह धोना नहीं पड़ेगा। ठीक है ये काम जो है ना मैंने कर दिया क्योंकि मैं भीग गया था बारिश में तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारा काम कर दूँ। अभी ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। ये देखें इधर से पहले दिखाता हूँ व्यू मैं खेतों में सामने देखें वो देखें सामने खेतों में पानी खड़ा है। ठीक है आपको नज़र आ रहा होगा ये देख लें खेतों में पानी किस तरह खड़ा है। प्लेटें भी जो है ना सोलर पैनल वाली ये भी धुल गई हैं सारी और लेंटर पे भी पानी खड़ा है। मैं देख के आया था कि कहीं से छत लीकिंग तो नहीं कर रही क्योंकि लेंटर वाली छत में होता है जब ये लेंटर आप डाल लेते हैं ना तो जिधर से प्लेट से जो है ना वो निकलता है ना मसाला नीचे की जाना वहाँ से फिर जो है ना सुराख होता है वो फिर बंद करने पड़ते हैं फिलिंग करनी पड़ती है। तो वो मैं देख के आऊँ कहीं से भी छत जो है ना लीकिंग नहीं हुई। ठीक है इधर भी देख लें सामने खेतों में पानी खड़ा है। बहुत बारिश अच्छी हुई है मतलब कि हमारी पसंद के जिस तरह हम कह रहे थे ना कि इतनी बारिश हो जाए ताकि हम लोग बाजरा काश्त कर सकें क्योंकि नहर में पानी नहीं आ रहा था तो इस वजह से अब जो है ना वो सामने देखे पानी ही पानी खड़ा है खेतों में अब काश्त हो सकता है बाजरे की। चलो जी देख लो मैं फर्श चमकाया समझदार बच्चा। बहुत 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 ज़बरदस्त मौसम बन गया। हाँ जी बारिश पट्टी फट के लेके जा रहे हैं तो नाले खेतों में पानी देखो मैं तो कहना दोनों पट्टियाँ सवेरे बीज दिए सुबह दसी हुई है अगले दिन बीज देंगे। हाँ जी अगले दिन कर देंगे कोई मसला नहीं।